हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्सरसाइज 6.3 करेंगे आज हम। इसमें क्या है कि एक से ज्यादा इक्वेशंस हैं और जो सॉल्यूशन निकलेगा वो एक कंबाइंड रीजन होगा, मतलब दो तीन या चार इक्वेशंस, ये एक तो इनइक्वालिटी जल्दी से बोला नहीं जाता, क्योंकि अभी तक हम इक्वेशंस करते आए हैं तो इनइक्वालिटीज बोलना थोड़ा सा ओल्ड सा लगता है। इनइक्वालिटीज मिलेंगी आपको एक से ज्यादा और उनका जो कंबाइंड सॉल्यूशन रीजन होगा वो उस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन रीजन होगा। जैसे यहाँ देखिए, दो इनइक्वालिटीज हैं आपके पास, तो इन दो इनइक्वालिटीज में से इसका भी जो सॉल्यूशन रीजन होगा और इसका भी जो सॉल्यूशन रीजन होगा, जहां वो दोनों कंबाइन करेंगे वो फाइनल आंसर होगा। सो इस इनइक्वालिटी को मैं ड्रॉ करता हूँ, पहले कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करता हूँ। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, सो हम पहले इसको कंसीडर करेंगे कि x इक्वल्स टू 3 है। x इक्वल्स टू 3 एक लाइन होगी जो 3 से पास होगी, यानी कि x कोऑर्डिनेट 3 से पास होगी। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन बनाऊं, ठीक है जी। और क्योंकि इनइक्वालिटी है अपनी x इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी इससे ग्रेटर देन जो वैल्यूज होंगी जिधर भी होगा, ये दो प्लेन बन गए इस लाइन के कारण, प्लेन दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ये जो पार्ट है ये सॉल्यूशन रीजन होगा इसका, ठीक है। ओके, y के लिए ड्रॉ करते हैं, तो कंसिडर y इक्वल टू 2, सो y इक्वल टू 2 जो है वो ये लाइन होगी, ये लाइन हो गई, ठीक है जी। और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 यानी इससे ऊपर का जो रीजन होगा वो सॉल्यूशन रीजन होगा। दोनों सॉल्यूशन रीजन देखिए यहां कंबाइन कर रहे हैं, तो ये इन दोनों का जो कंबाइंड सॉल्यूशन रीजन होगा वो फिर आंसर में आ जाएगा आपके, ठीक है। ओके, सिंपल। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, तीन इक्वेशंस हैं, इनइक्वालिटीज हैं, और इन तीनों का जो कंबाइंड रीजन होगा वो अब सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा, ठीक है। तो सोल्व करते हैं इनको, पहले कंसीडर 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। तो इसको सोल्व करने के लिए एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करना जरूरी है, तो ये एक्स लिखा, ये वाई लिखा, एक्स की वैल्यू जीरो रखिए आप, वाई की वैल्यू आ जाएगी 6, वाई की वैल्यू जीरो रखिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4। सिंपल कैलकुलेशन है। अब ड्रॉ कर लीजिए कार्टेशियन प्लेन। अब ये इनइक्वालिटी जो है, ये लाइन जो है, ये ड्रॉ कर देता हूं मैं यहां, तो एक पॉइंट हो गया आपका 0 6 0 6, यानी 1 2 3 4 5, और ये कहीं यहां मिलेगा आपको ये पॉइंट, ये रहा 0 6, 4 0 4 0 ये पॉइंट है, और इन दोनों को मिलाने से एक लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। तो आई होप मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर पाऊं, ठीक है। सो ये हो गई 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12 की लाइन, पर ये इनइक्वालिटी है, लेस देन इक्वल्स टू 12 है, तो क्या करेंगे हम, 0 0 पुट करके देख लेंगे, पुट 0 0 इन 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 12, तो 0 आ जाएगा विच इज लेस देन 12, सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन, यानी ओरिजिन जो है वो इसके सॉल्यूशन रीजन में लाया करेगा, यानी ये पूरा प्लेन ही इसके सॉल्यूशन रीजन में लाया करेगा, ठीक है जी। तो ये पूरा प्लेन इसके सॉल्यूशन रीजन में लाया करेगा। ओके, दूसरी लाइन है x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1 अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ये लाइन बनेगी, और इसका सॉल्यूशन रीजन जो होगा वो इसके राइट हैंड साइड में होगा, इस साइड होगा, ठीक है। y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो y इक्वल्स टू 2 की ये लाइन बनेगी, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है तो इससे ऊपर का जो है वो इसका सॉल्यूशन रीजन होगा, तो इन दोनों का जो कंबाइंड सॉल्यूशन रीजन है वो ये होगा, और यही आंसर हो जाएगा, ठीक जी।
समझ गए, क्योंकि y इक्वस टू टू लाइन ये है, तो इसमें सॉल्यूशन रीजन इससे ऊपर का है। x इक्वस टू 1 लाइन जो है वो ये है और इसका सॉल्यूशन रीजन इसके राइट हैंड साइड में है। 3x प्लस 2y इक्वस टू 12 जो है उसका सॉल्यूशन रीजन नीचे की साइड है। तो ये तीनों मिलते हैं यहाँ आके और वही इस क्वेश्चन का, इन तीनों इक्वेशंस का कंबाइंड सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। ये सारे ही क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होने हैं, सब में ऐसे ही ग्राफ बनेंगे और जो कंबाइंड सॉल्यूशन रीजन आएगा वही आपको आंसर में शो करना है और ग्राफ बना के ड्रॉ करके दिखाना है। सो आई होप आप कर लेंगे, कोई ऐसा मुश्किल क्वेश्चन या मुश्किल टास्क है नहीं, तो मैं इसको कंटिन्यू आगे नहीं कर रहा। अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं अगले वीडियोस भी बना दूंगा।